जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ कीमा पराठा। कीमा पराठा? कौन सा, मटन या चिकन? मटन मटन। तो दोस्तों आज बनने वाला है मटन पराठा। यार सुन के ही इतना मजा आता है ना। देखो आप लोग इंतजार कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यार बनने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार पहले ही फील कर रहा है। तो अमी अभी तक अपन ने कितने पराठे की रेसिपी डाले? अभी देख मेरे को ध्यान तो नहीं है, लेकिन मेथी पराठा, आलू पराठा, अंडा पराठा, हाँ ये तीन। तो यानी कि देखो कितने मेथी पराठा हो गया, अंडा पराठा हो गया और आलू का पराठा हो गया। हाँ। लेकिन जब अपनी बारी आती है ना भाई, मटन पराठा यार खाने का मजा ही अलग होता है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि मटन पराठा बनाने के लिए हम क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम मटन का कीमा, दही, मैदे का आटा, गेहूं का आटा, प्याज, कोथमीर, जीरा पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्ची की बुक्की, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दिए है कीमा तैयार करने के लिए, ठीक है। पहले हम कीमा तैयार करेंगे, जिसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल देंगे। तो चलो तेल गरम हो गया है, अब डालेंगे हम एक प्याज। एक बड़े साइज की प्याज ली हूं मैंने और 300 ग्राम कीमा ली हूं, ठीक है। इसलिए एक ही प्याज ली हूं बारीक कट करके। अब हम इसको थोड़ा सा नरम होने तक पका लेंगे, ठीक है। तो देख रहे आप लोग, प्याज मेरी लाल नहीं हुई है, लेकिन पक के सॉफ्ट हो गई है ना। बस हमको इतना ही पकाना है प्याज को। अब हम डाल देंगे इसमें हमारा कीमा। ये 300 ग्राम कीमा है, इसको 2-3 घंटे पहले धो धा के इसको अच्छे से इसका पानी निकालने के लिए छलनी में रख देने का, ठीक है। अब इसको इसका पानी पूरा निकले तक पका लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ। पहले नमक आप अपने हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, ठीक है। तो देखो 2 मिनट के अंदर कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है, लेकिन आप हाथ नहीं रोकना, क्योंकि मशीन का अगर कीमा करके लाते हैं तो उसमें गाँटे पड़ जाते हैं, ऐसे गट्टे गट्टे हो जाते हैं। तो इसके लिए जब इसका पानी छूटते रहता है, अपना हाथ चलाते रहेंगे तो कीमा अलग अलग हो जाएगा आराम से। इसको अपने आप छोड़ना नहीं, नहीं तो ये गाँठ बनने लगते हैं, ठीक है। इसको पूरा पानी सूखे तक अभी मैं पकाऊंगी। तो देख रहे आप लोग, पानी पूरा मेरा कीमे का सूख चुका है। अब जरा जरा सा पानी रह गया है, वो भी मसाले डाले तक सूख जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे इसमें और अच्छे से 1-2 मिनट इसको भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन अच्छा फ्लेवर इसका कीमे में आ जाए, हमारे अदरक लहसुन का, और जो पानी है वो भी अदरक लहसुन के साथ ही सोख ले। तो चलो अदरक लहसुन डाल के मैंने 1 मिनट तक इसको भून ली हूँ। अब डालेंगे हमारे सूखे मसाले। तो हम ज़रा गैस पहले स्लो कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे ये जीरा पाउडर, ये 1 चम्मच है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच है, ये आमचूर पाउडर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसमें टमाटे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो खट्टेपन के लिए हम आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। और 1 चम्मच डालेंगे हम मिर्ची की बुक्की, और ये घर का पीसा हुआ गरम मसाला, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं पराठे के लिए, इसलिए हम इसमें खड़े गरम मसाले ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 चम्मच, ठीक है। अब इसी के साथ ही हम डाल देंगे हमारे 3-4 चम्मच दही। गैस हमारा स्लो है, इसके लिए हम अभी ही डाल देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब गैस मैं फास्ट कर दूंगी और इसको अच्छे से भून लूंगी।
दो से तीन मिनट तक ये पूरा दही का पानी भी सूख जाना चाहिए और हमारे कीमे में अच्छे से मसाला भी लग जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं, दो मिनट ढक के इसको मैंने पका ली थी दही डाल के, है ना। अब दही का भी पूरा पानी सूख गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें एक कप पानी डालूँगी, ये चाय का कप आता ना, इससे एक कप पानी डाल दूँगी। अब इसको 5 से 10 मिनट तक मैं पका लूँगी, ये पूरा पानी सूखे तक, ताकि हमारा कीमा एकदम अच्छे से गल जाए। ऐसा तो ये कीमा गल चुका है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेने का, थोड़ा अच्छा गला लेने का, इसके लिए मैंने इसमें पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए गलने छोड़ दिए। तो चलो कीमा गले तक हम क्या करेंगे, आटा गूंथ लेंगे। तो मैं बाउल में ये गेहूं का आटा ले रही हूँ, एक बाटी 100 ग्राम है ये गेहूं का आटा, और ये मैदे का आटा भी 100 ग्राम है, ठीक है। मैंने दोनों आटा आधा आधा करके ली हूँ। आप लोग चाहे तो मैदे का बना लो, चाहे तो गेहूं का बना लो, दोनों भी आटे से बन जाएंगे पराठे। और ये थोड़ा सा चुटकी भर अजवाइन ली हूँ मैंने। पराठे कोई भी बनाओ, आप अजवाइन डाल दो, आपका हाजमा बहुत अच्छा रहेगा, पराठे बहुत अच्छे से हजम हो जाएंगे। कोई भी किस्म के पराठे बनाओ, अजवाइन डाल देंगे तो फायदे में ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक। अब डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच तेल। इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, तेल डाल रही हूँ, ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट बने, नरम बने, क्योंकि कीमे से खिंचाव रहना चाहिए ना आटे में, ताकि हम कीमा डाल के जब बेले तो आटा आराम से मुलायम मुलायम फैल जाए। इसलिए तेल को अच्छे से मैं आटे में मिक्स कर ले रही हूँ पहले, फिर हम पानी डाल डाल के गूंदेंगे थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, आराम से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। और मैंने पानी कोई गर्म ठंडा नहीं ली हूँ, हमारा नॉर्मल पानी है जो रोज़ हम आटा गूंदते हैं रोटी बनाने के लिए, ठीक है। और ये आटा हमको सख्त नहीं चाहिए, ये आटा हमको शुरू से ही नरम चाहिए, ठीक है। तो देख रहे आप लोग, पानी डाल डाल के मैंने अच्छे से ये आटे को गूंद ली हूँ। अब क्या करेंगे हम इसको, इसका डो बना के इसको रख देंगे थोड़ा सा तेल लगा के। देख रहे आप लोग इतना नरम है आटा मेरा, और अभी इसको 10 मिनट में ढक के रख दूंगी तो ये और नरम हो जाएगा। थोड़ा सा तेल हम लगा लेंगे ऊपर से, और इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि ये और नरम हो जाए थोड़ा सा, जब तक हम देखते हैं हमारे कीमे के तरफ। तो बस कीमे का पानी भी सूखने पे है, लेकिन अभी और 5 मिनट लगेगा, हमको पूरा सूखा चाहिए ना, एकदम सूखा चाहिए, तो और 5 मिनट तक ज़रा इसको भून लेते हैं। तो चलो देखो, पानी सूख गया है, मेरा कीमा अच्छे से भून गया है। अभी ये टाइम पे आके मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ, जैसा इसमें तेल ज़्यादा हो गया है या ज़्यादा तेल दिख रहा है, तो आप क्या करना मालूम, 1 चम्मच है ना, आधा चम्मच मैदे का आटा लेके इसमें ऐसा छिड़क देना हल्का सा, और इसको मिक्स कर लेना, तो आपका तेल है ना सब ये हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जब फिलिंग आप आटे में बिछाओगे तो तेल आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। मेरे इसमें ज़्यादा तेल नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ नाम के लिए छिड़क के बताई हूँ। आप लोगों का अगर तेल ज़्यादा हो गया तो 1 चम्मच भर के आप मैदे का आटा इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैदे के आटे से ही हम पराठे बना रहे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा कीमे के साथ, वो मैदे का आटा पक जाएगा, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें कोथमीर ढेर सारी, जब तक कोथमीर नहीं डालेंगे ये मज़े के नहीं बनेंगे, ठीक है। अब हमारा कीमा हो गया रेडी। तो चलो अब क्या करेंगे, हम हमारे कीमे को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये कढ़ाई खुद गर्म है ना, तो इसमें ठंडा लेट होएगा, तो इसलिए जल्दी से हम बर्तन चेंज कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसको इस तरीके से फैला लूँगी ताकि ये फटाफट फटाफट ठंडा हो जाए। तो देखो कीमा मेरा एकदम ठंडा हो गया है, और आटे को भी रख के हमको 10 से 15 मिनट हो गए, तो आटा भी मेरा अच्छे से नरम हो गया एकदम, है ना। अब हम इसको निकाल लेंगे हमारे पटले पे, देख रहे आप लोग, अच्छा नरम हो गया आटा, मस्त
अब हम इसके अच्छे से छोटे 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 पेड़े बना लेंगे कि हमको पराठा जितना बड़ा बनाना है ना उतने पेड़े बना लेंगे। कोई बड़े बनाते हैं, कोई छोटे बनाते हैं, कोई पतले बनाते हैं और कोई मोटे बनाते हैं। तो देखो मेरे घर में तो पराठे के नाम पे ना मोटा बनता है। पराठा अगर पतला बना तो उसका कोई मतलब नहीं होता। पराठे का मतलब है मोटा ही पराठा बनता है, ठीक है। तो देख रहे पेड़े बना ली मैंने, 5 पेड़े बन गए हैं। तो अब हम पेड़े को रख देते हैं इस साइड में, ठीक है, और इस पे थोड़ा सा तेल का हाथ लगा देते हैं ताकि हमारे पेड़े अच्छे से नरम ही रहे, ठीक है। अब एक पेड़ा ले ली हूँ मैंने, अब हम इसको मस्त बेल लेंगे थोड़ा सा। ये आटा हम यहाँ रखते हैं, तो देखो इतना बड़ा मैं बेल ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें डालेंगे हम हमारा कीमा। अभी मैं इसमें 2 से 3 चम्मच डालूंगी कीमा। अब जो लोग पहली बार बना रहे हैं वो थोड़ा कम ही कीमा लेवे, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं है तो उन लोगों को से जमेगा नहीं, ठीक है। अब जो हमेशा बनाते हैं वो लोग ज़्यादा लेंगे भी तो चलेगा, क्योंकि उन लोगों को आदत रहती है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको अच्छे से मोड़ लेंगे। ये हो गया इस तरीके से। अब ये बीच का है ना ये कीमा, आराम से अपने हाथ से इसको ऐसा ऐसा करके ढकेलेंगे चारों तरफ, ताकि एक ही तरफ हमारा कीमा ना बैठ जाए। और आटा तो अच्छा नरम है तो बहुत इजीली फैल जाएगा कीमा चारों तरफ, ठीक है। अब इसको पलटी करके थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और बेल लेंगे। और हाथ एकदम हल्का रख के बेल रही हूं मैं, आप लोग मेरे हाथ पे गौर करो, मेरे हाथ का जरा भी वजन नहीं जा रहा है आटे पे, सिर्फ उंगलियों के जोर से मैं बेल रही हूं। अगर आटे पे जोर लगाएंगे कीमा बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग इसको मिक्सर में पीस के बनाते हैं। मैंने मिक्सर में पीस के नहीं बनाई हूँ, क्योंकि हल्का हल्का कीमा आना चाहिए मुँह में, तभी ही टेस्ट आता है, ठीक है। ये बन गए हमारे पराठे, बेले गए ना मस्त एकदम, देख रहे आटा नरम होने की वजह से कहीं से भी नहीं फटता है। और जिस तरीके से मैंने बताई हूँ उसी तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर आपका भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ जब तक हम दूसरा बेल लेते हैं। तो देखो मैंने दूसरा पराठा भी इसी तरह से बेल ली हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमने रख दिए हैं तवा गर्म होने के लिए, ठीक है। अब हम आपको ये दोनों पराठे सेक के दिखाते हैं, जिसके लिए मैं इसमें डालूंगी पहले थोड़ा सा तेल। अब हम हल्के से डालेंगे इसमें हमारा पराठा। इसको 2 मिनट पकने देंगे पहले थोड़ा नीचे, उसके बाद ही इसको पलटी करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं इसको 2 मिनट तक मैंने नीचे से सेकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, इधर ऊपर भी हम अच्छे से तेल डाल देंगे। कीमे के पराठे में जितना तेल डाल के सेकेंगे ना उतना अच्छा। अब जिसको ज़्यादा तेल नहीं चलता है फिर उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो सूखे आराम से सेक सकते, ठीक है। अच्छे से हम दबा दबा के सेक लेंगे इसको। मस्त बन रहे हैं मेरे कीमे के पराठे, मेरा रियाज खुश हो जाएगा आज। तो देखो अब मैं दोनों तरफ से भी वापस से सेक लूंगी, इधर से जो सेक के पलटी करी थी ना इधर से वापस से एक बार हम सेक लेंगे, ठीक है। मस्त चट्टे आए तक अच्छे कुरकुरे कुरकुरे पराठे हमारे कीमे के, खाने में बड़े मजे रहते हैं। ये एक पराठा आप बना के रख लो और सहरी में सिर्फ एक पराठा दही के साथ खा लो, एक कप चाय पी लो, आपकी सहरी कंप्लीट। कौन सहरी में उठ के इतना पकाएगा करेगा, रात ही को ये पराठा बना के रख लेने का 4 से 5
और एक 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 सब खा लेने का, बस सहरी हो जाती है एक पराठे में ही कीमे के। सहरी में कुछ पकाने का झंझट ही नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं मेरा यहाँ दूसरा पराठा भी है, उसको बिना तेल के आपको पका के दिखाऊंगी। मैं तेल नहीं डाली हूँ अभी, बिना तेल के एक मिनट इसको सेक के पलटी करेंगे। तो देखो एक मिनट सेक ली मैंने, अब इसको हम पलटी कर लेंगे, ये बिना तेल वाला, ठीक है। जो लोग तेल डाल के नहीं खाते ज़्यादा, जो तेल नुकसान देता है सोचते हैं, सूखा खाना पसंद करते हैं, ये मेरा फॉर्चून रिफाइंड है, हार्ट के लिए अच्छा है तेल, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब हम इसको भी एक दो मिनट अच्छे से सेकने देंगे नीचे से। तो देख रहे हैं ये सूखा पराठा तैयार हो गया है, लेकिन मैं ये तेल डालूंगी इसमें, मैं आप लोगों को बताने के लिए सूखा सेक रही थी। चीटिंग कर रहे। हाँ चीटिंग नहीं, मतलब मैं बताना चाहती थी आप लोगों को कि बिना तेल के भी पराठा सेका जाता है। अभी मेरे को फिर कमेंट आता था, आंटी आप तेल डाल रहे हैं, हम लोग सूखा खाते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को बिना तेल के भी सेक के बताई। मैंने एड़ा नहीं बनाई, मैंने सब बोल के करी, बता के करी, ठीक है ना। क्योंकि अभी मेरे घर में सब ये तेल के ही पराठे खाते, पराठे का मतलब है तेल, नहीं तो सूखा दे दूंगी तो बोलेंगे अम्मी फिर सूखी रोटी ही अच्छी रहती है ना, अगर सूखा बनाना है तो फिर पराठे क्यों बनाए। तो ये भी मेरा पराठा देखो हो गया रेडी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं जो मेरे तीन पेड़े बचे हैं उसको भी रेडी कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो पराठे मेरे सब तैयार हो गए, ये छोटू सा मेरा उज्मा और यूसुफ के लिए, ठीक है, ये बन गए मेरे पांचों पराठे, कीमे के पराठे रेडी हो गए। अब इसको किसके साथ खाने का? यहाँ हरी चटनी के साथ खाना है, हरी चटनी के साथ खाओ, मैं तो इसको ज्यादातर दही के साथ खाती हूँ, क्योंकि ये एक पराठा का सहरी में खा लिए दही की बाटी के साथ और एक कप चाय, बस सहरी कंप्लीट। तो दोस्तों अपना कीमा का पराठा तैयार हो गया, ये देखो हमने ना इसको कटिंग भी करके रखा एक एक बाइट के लिए, जैसा पिज्जा कट करते ना चार, वैसा हमने इसे छह में कट किया। देखो और जो कीमा बच गया ना थोड़ा सी, वो भी हम लोगों ने प्लेट में डाल दिया यार, पूरा मजा आना चाहिए और थोड़ा भी कीमा वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखो ये कीमे का पराठा है और इसका कीमा जब तक अच्छा ना होना तब तक के कीमे का पराठा खाने का मजा बिल्कुल नहीं हो। जब मम्मी बना रहे थे ना कीमा, जैसा मुंह से पानी आ रहा था ना मेरे, लेकिन बन गया, मेरा इंतजार होता है खत्म। अब खाते हैं, अरे देखो अब मैंने चटनी लाई है, कौन सी, लहसुन की तीखी वाली। हाँ। और साथ में दही। हाँ। दही के साथ तो यार कोई भी पराठा खाओ ऐसा, मतलब कुछ भी, जैसे आलू का पराठा, अंडा पराठा, या फिर कीमे का पराठा, या गोभी पराठा, नहीं क्या गोभी, कौन सा पराठा था, मेथी का पराठा, दही के साथ बहुत मस्त लगता है। कोई भी पराठा रहे, दही और अचार तो एकदम परफेक्ट है कोई भी चीज के लिए। केचप? केचप आज केचप नहीं लाई मैंने, केचप के साथ भी मस्त लगता है। हाँ, केचप के साथ मस्त लगता है, लेकिन मेरा मानना है पराठा तो दही के साथ ही अच्छा। लहसुन की चटनी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये मेरे लिए ना लहसुन की चटनी डुबा रहा है। देखो मैंने लहसुन की चटनी डुबा दिया, ये चलो मैं भी लहसुन की चटनी साथ खाऊंगा, पहला फिर दही, एकदम भर के डाल दी इसमें लहसुन की चटनी, और ये रही लहसुन की चटनी और कीमा भर के। और ये लहसुन की चटनी वही है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, आज भी वही है। ये लहसुन की चटनी छोड़ो, अभी अपन क्या देखेंगे, कीमा पराठा, मस्त। एक और बिना चटनी के भी खा लो, इतना चटपटा बना है मेरा पराठा बिना चटनी। आप दही के साथ लो मैं खा। दही के साथ तो बहुत मजा आता है। हाँ घर में पराठे बने ना तो कोई भी नहीं छोड़ता, बड़े हो छोटे हो बुड्ढे हो, क्योंकि पराठा इतना सॉफ्ट बनता है ना। मैं क्या बोल रहा था, बुजुर्ग बोलो, बुजुर्ग बुजुर्ग बोलो, सॉरी यानी के बुजुर्ग बोलो, जो भी है अगर ये पराठे सॉफ्ट रहते बोल के ना खा लेते हैं, इसलिए मैं बोलती पराठों के अंदर अजवाइन जरूर डालना, क्योंकि पराठे इतने अच्छे लगते ना कि खाने के टाइम नहीं सोचते अब उनके कितने कहा रहे, तो बाद में फिर पेट का भी ख्याल रखना है ना। और अगर कोई अगर भूल जाता है इसमें अजवाइन डालना तो वो पराठा खाने का अजवाइन खा लेना। नहीं 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 ऐसा नहीं, दही के साथ खाओ फिर। हाँ। दही हाजमा अच्छा लगता है, दही के साथ भी हजम होते हैं। बहुत मस्त बनाया हमने,
खाएंगे और मैं अपने हाथ से खाऊंगी अब मुझे बड़े अच्छे लगे बर्दाश्त नहीं हो रहा मम्मी से रेसिपी कैसी थी मम्मी का जो तरीका था जो ट्रिक थी ना बहुत इजी थी तो यार आप लोग भी उसी तरीके से बनाना अगर बनाना चाहो तो कीमे को पूरा पकाने से वो सॉफ्ट हो जाता है तो वो आटे को फटने नहीं देता है और बाहर नहीं निकलता है बहुत से लोग ऐसा अगर उसके अंदर कुछ खड़ी चीज डाल दे रहे तो उससे भी जैसा मैंने देखो पिछला बनाई थी कुछ तो उसमें प्याज लास्ट में डाली थी इसमें मैंने पहले ही डाली ताकि वो सॉफ्ट हो जाए पराठा बेलने के टाइम हमारे पराठे ना फूटे तो कोई खड़ी चीज खड़ा गरम मसाला कुछ ऐसी चीज ना डाले के पराठा फट जाए और दूसरी बात पराठे की मेन चीज आटा बहुत सॉफ्ट गूंदना ताकि आप हल्के हाथ से भी अगर करें तो आटा आराम से फैले बिना फूटेंगे समझ गए हाँ और तीसरी बात शेयर करो कीमा आपका मजेदार रहना चाहिए सही में कीमा मैंने इतना मस्त बनाया ना तभी वो कीमा पराठा खाने का मजा है अभी आप कीमा का टेस्ट मजेदार नहीं रहेगा तो कीमा का पराठा क्या खाओगे हाँ ये बात भी सही समझ रहे हो और चौथी बात हमारे वीडियो को लाइक करो ठीक है शेयर करो नहीं नहीं वो पांचवी बात ठीक है तो आप तेरा ज्यादा वो तो छठी बात थी तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो और हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो हंसते हंसते आग में पानी शेयर कर दो ठीक है शेयर कर दो और जो हमारे चैनल पे नया है सातवीं बात वो सब्सक्राइब करो ठीक है भाई आसमान सब्सक्राइब करो जो हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो चलो फिर चलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मिलेंगे ऐसी चटपटी मजेदार रेसिपी के तब तक के अल्लाह हाफिज़ बाय बाय ठीक है दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़